नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। तो आइए देखते हैं समस्तीपुर से अरविंद कुमार के साथ धर्मविजय गुप्ता की खास रिपोर्ट। रामराज की सरकार में पीट पीट कर दलित राम सेवक राम की हत्या बर्दाश्त नहीं। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल रोसड़ा के मृत सफाईकर्मी राम सेवक राम के परिजनों को न्याय मुआवजा नौकरी देने के बजाय परेशान करने की जानकारी मिलने पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य एवं पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा रविवार को रोसड़ा पहुंचकर मृत के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। मामले की पूरी जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल 50,000 रुपये का सहयोग राशि दिया, साथ ही न्याय दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। तत्पश्चात समस्तीपुर सर्किट हाउस में पहुंचकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 4 माह का बकाया मजदूरी मांगने पर मजदूर राम सेवक राम पर FIR दर्ज कर पुलिस पिटाई कर मार देती है। लास्ट तक परिजनों को नहीं सौंपकर यूपी के हाथरस की विभिन्न घटना की तरह आधी रात में पुलिस जला देती है। मृतक के पुत्र को धमकी देकर तमाम कागजात छीन लेती है। पीड़ित को न्याय देने के बजाय उल्टे मृतक की पत्नी परमिला देवी गुजरात में कमा रहे हैं। पुत्र श्रवण कुमार, दीपक कुमार, पतोह सलिता देवी, बबीता देवी समेत अन्य निर्दोष का नाम मुकदमा में डाल दिया जाता है। परिवार परेशान है, भुखमरी झेल रहा है, लेकिन सुशासन की भाजपा जदयू सरकार का आज तक ना कोई अधिकारी पीड़ित परिजन से मिलने गया और ना ही कोई मुआवजा किसी प्रकार की सरकारी राशि परिजनों को नहीं दी गई है। सरकार राम राज्य का नारा लगाती है और दलित राम सेवक राम को पीटकर हत्या करवाती है। उन्होंने सफाईकर्मी के परिजनों को न्याय देने, 20 लाख रुपए मुआवजा देने एवं सदस्य को सरकारी नौकरी देने, DSP नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पुलिस पर हत्या कर मुकदमा दर्ज करने, सफाईकर्मी को नियमित वेतन देने की मांग की है। उन्होंने पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, शराब माफिया पनप रहा है, गरीब मार खा रहे हैं, इससे बिहार को नुकसान ज़्यादा है। सरकार को शराबबंदी के जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। शराब के नाम पर दलित गरीब महिला का उत्पीड़न किया जाता है, जबकि शराब के होम डिलीवरी माफिया पुलिस द्वारा सरकारी संरक्षण में किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष ने आड़ियल तानाशाह को झुका दिया है, किसान आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाया है। उन्होंने MSP लागू करने, किसानों को खास समय जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने, मृत किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि जो कृषि कानून मोदी सरकार 2020 में लाई, बिहार की नीतीश कुमार सरकार उसे 2006 में ही लागू कर चुकी है। उन्होंने बिहार में मंडी व्यवस्था पुनः लागू करने की मांग की है। अभी एक तरह से सरकार खुद अगर आपराधिक हो जाए, सरकार खुद अगर पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो क्या होगा समाज में। इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। अब तक कोई मुआवजा तक नहीं मिला, जो न्यूनतम कानून कहता है कि न्यूनतम जो सहायता मिलनी चाहिए परिवार को, वो बिल्कुल 1 पैसा तक नहीं दिया गया। तो इसलिए हमारी तो मांग है कि इनको पूरे परिवार को मुआवजा मिले, कम से कम 10 लाख रुपए का। जो बेटा इनके काम करते हैं दीपक, उनको पक्की नौकरी मिले और बाकी पूरे परिवार के बारे में सरकार ध्यान दे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें तो पुलिस के अधिकारी का नाम देख रहे हैं, इसमें वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम आ रहा है, वार्ड पार्षद का नाम आ रहा है, इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल। सर हम 12-13 साल से तो ये जो पैसा नहीं मिल रहा था, ये इधर शुरू हुआ या पहले भी ऐसे होता था? पहले भी सर ऐसे ही हो रहा था, बहुत दिन से पैसा नहीं दे रहे कारण ठक ठक स्कूटी साहब काम करवा रहा था हम लोग को, आज देंगे 2 दिन के बाद देंगे, और ऐसे ही ठक ठक के काम करवाते रहे और पैसा वैसा जब लास्ट पूजा वूजा का टाइम छः से दीपावली दुर्गा पूजा आया तो हम लोग भी बोले बतियाए, उसको ऑफिस में भी बात किए, सर पौर पर्व का दिन है, बाल बच्चा है, क्या खाएगा, क्या कपड़ा लत्ता, हम लोग कितना दिन भूखा मरेंगे, पैसा दीजिए। तो बोलता है कि स्कूटी साहब कौन पैसा, कैसा पैसा, हम नहीं देंगे, और चार चक्का गाड़ी में बैठ के चल दिया। और उसके कल होके हम लोग फिर धरना प्रसन्न वहाँ किया, सब लेबर उबर बोल, लेकिन वहाँ जाए के लिए तो हम नहीं गली। फिर 31 तारीख को वहाँ समस्तीपुर सदर अस्पताल में भेज रखे, वहाँ जाके सुबह फिर रंजीत पजियार मोचू पजियार अलखिन हमारा घर पर, तो कल कि तू चलो घर पर, वहाँ समस्तीपुर से तोर पापा ठीक भै गए, वहाँ से लाबे के छे 1 तारीख के, लेकिन वहाँ से लाबे के छे ठीक भै गए, तो हमने जाके मम्मी के वहाँ भेज दिए कि मम्मी पापा ठीक भै गए वहाँ से लाबे के छे, अपने गाड़ी से
रंजीत पजियात अपने चार चक्का से प्रशासनों दो चार गो एम रहती हम मम्मी रहती और बेड पर पड़ल छे लाश के पेशेंट के इलाज नहीं हो रहा छे वहाँ पर्ची मांग रहलखिन हॉस्पिटल के डॉक्टर पर्ची दीजिए हम इसको एडमिट करते हैं आदि यार यहाँ रख लेलखिन ऐसा ही एक आदमी की उल्टा सांस चल रहा छे फिर शाम के टाइम में यहाँ पता लग ले क्या साल के छोटा वो कहाँ है उसका क्या नाम है संदीप भी होता तो और बात थाना क्यों बुला लेगा भाई मोबाइल नंबर है बात हुई है बात हो गई है उसको पहले बुला के उसको थाना जाम वहाँ से रेफर कर दलखिन जब साइकिल लगे लिए देख लिए कुछ पूछताछ भी करलखिन हाँ बोलिए ना हमारे पापा हथिन राम सेवक जी तो बोलखिन रेफर कर दलखिन यहाँ से तू यहाँ पेपर पर साइन करो आ चलो हमारे साथ और वो आदमी हमको ऐसे ऐसे बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं करो ऐसे ऐसे बोल रहा है तुमको मार देगा काट के फेंक देगा यही सब के बारे में थाना में केस किए थे तो आपका केस नहीं लिया नहीं लिया सर थाना में उस दिन केस किए थे केस नहीं लिया एंट्री नहीं किया।